खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। Your reaction jis waqt aapko bola gaya ki they want you to be a part of the, you know, you'll be leading the series, I would say, as instead of to me ye baat sun ke mujhe andar ho gayi ki kitchen I'll do this part, so when it comes about of all these scenes, ED scenes and all, I was like, oh my god, because in personal life must be I look very modern, very bold or something like that. I'm not the person actually from inside who will be very comfortable on those scenes actually. Later on, I realized कि नहीं चलो चलो being an actress you're supposed to be there and कहीं ना कहीं you have to be, so she was the only one. मुझे अभी भी याद है वो scene particular करने के लिए I took two hours. नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं पहले मुझे नहीं होने वाला, जैसे मैं दो घंटे ऐसे I was like stubborn, no I can't do it, like सब बंद करो, बंद pack up, दो घंटा she was the only one counselling me, you have to do. And she was giving me all those reference जिन्होंने our legendly जिन लोग perform करते हैं उन लोग yes ना लोग के चलो then you why not, so now I'm very comfortable seeing me myself whatever I did as an actor. सर आपसे जानना चाहूँगा, एक अलग तरह की शुरुआत मुझे लग रहा है कि इस तरह का कंटेंट बड़ी मुझे लगता है कि इस तरह का कंटेंट आया नहीं है, एक अलग कोशिश करी जा रही है और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करें, जिस तरह से एक्सप्लोर हुआ है उसके अंदर एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपको? अदरवाइज लुक वेरी इंप्रेसिव।
यू गेट गूज़बम्प्स जब आप देखते हैं, आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स नॉट अबाउट इंटीमेट सीन, इट्स मोर अबाउट द ह्यूमन रिलेशन, इट्स मोर अबाउट द इमोशन. मैंने अभी कहा था उधर कि हम लोग ने ये जो सब्जेक्ट लिया था तो व्हाट अबाउट बोल्डनेस, जो उसका जो पिछला जो उनका जो सफरिंग है वो भी हम चाहते हैं कि आगे लेके तो एक नया सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसी के बारे में कि अगर थोड़ा सा अगर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होता है उस कैटर की तरफ से तो भी हमारे लिए वो सक्सेस होगा जो बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. सर टॉकिंग अबाउट प्राइम फ्लिक्स, क्या मतलब कैसे डिफरेंट है अदर प्लेटफॉर्म से, जैसे और भी आपने डाउनलोड किया हमारा अभी तक नहीं किया सर अभी वन टू और मैच सीरीज नो नॉट येट. देखो भी डिफरेंट ही है वो. अच्छा सही है. दोनों जो है उसका सब्जेक्ट से ऑल डिफरेंट है. राइट तो सर भी नहीं अक्टूबर तक ऐसे डिफरेंट ही मिलेगा आपको. राइट और थ्रू ऐप डाउनलोड करो तो सीरीज देखो. बट आल्सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ प्राइम फ्लिक्स इफ यू कैन brief about that. In the beginning itself I told हम लोगों ने कहा था कि bold and beautiful. Yeah. वो अभी भी वही है. तो मतलब ज़्यादा बड़ा होगा nothing like that. सूरत भी दिखे और subject wise bold. Right. Also सही है bold. Also आप जो है sensible topics के ऊपर भी focus करें हमने देखा तो sir कैसे मतलब चुनाव कैसे होता है कि ये हमें on board है. Ma'am if you can talk about the content of both. So she different. सो बेसिकली हम लोग ऐसे जब चैनल के एक सीट पे बैठे रहते हैं या फिर चैनल एक सीट देता है मतलब ऑल थैंक्स टू माय बॉसेस राकेश सर एंड किरण सर उतना फेथ दिखाते हैं मुझ में. हम लोग यूजुअली क्या होता है बहुत सारी चीज़ें सोच के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है क्योंकि फिर व्यूअर्स के बहुत फीडबैक आते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं. स्पेशली जब आप कोई बोल्ड टॉपिक पे लेते हो ऐसे नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एग्जिस्ट करती है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता. तो प्राइम फ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, हम बनावटी तो दिखाना चाहते हैं ही नहीं कहीं किसी भी स्टेज पे. दूसरा बात यह है एज अ चैनल ऑब्वियसली हम उस यूथ के पास पहुंचना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम उस मास के पास पहुंचाना चाहते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है ताकि कल को उनके सामने अगर ऐसे कोई चीज़ आए तो रैदर देन बिहेविंग नेगेटिवली दे विल हैव द पावर टू अंडरस्टैंड कि नहीं थिंग्स लाइक दिस हैपन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. तो प्राइम फ्लिक्स का यही मोटिव है. हमारा फिलहाल तो सर मोटिव यही है कि हम घर घर तक पहुंचे. तो वी आर वेरी कंटेंट ओरिएंटेड चैनल, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही लेके जाएंगे. हमारा हमेशा ये डुअल मोटिव रहेगा, एक है सोशल कॉज को बढ़ावा देना, दूसरा है ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करना. तो टचवुड एक महीने मतलब दो महीने से हम लॉन्च हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ग्राफ स्केल एंड आगे भी वैसे ही होता रहेगा, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा. मैम आपसे जानना चाहूँगा टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, हाईवे में हमने देखा था इसी तरह के टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया था तो आपने कुछ रेफरेंसेस लिए थे फॉर योर कैरेक्टर? जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ, बट आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन द एजेस बिकॉज मैं अभी भी थोड़ी देर पहले इसी सिलसिले में बात होती थी और बहुत ही इट्स वेरी कोइंसिडेंस रिलेटेड द क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड राइट नाउ. आई लुक बोल्ड सेक्सी वेरी डोमिनेंट वुमन वेयर टू पर्सनल लाइफ आई एम वेरी सटल वेरी सोशल बट द थिंग इज व्हेन इट्स कम्स अबाउट ऑफ द व्हेन यू गोइंग टू लीड समथिंग लीड समवेयर एल्स मैं बहुत ही ज़्यादा वो डोमिनेंट वुमन हो जाती हूँ विच इज़ आई एम देयर आई एम हियर. सो फॉर मी आई रियली डोंट वांट टू टेक एनी रेफरेंस फ्रॉम अदर्स वेयर आई रियली वांटेड टू प्रिटेंड माय सेल्फ. सो दिस इज माई आंसर विच इज आई एम तो ये बहुत ही पता नहीं कोइंसिडेंस केम टू मी कैरेक्टर टू है तो मतलब ठीक है ये तो मैं हूँ इतना फर्क है एजी में नहीं हूँ एजी में नहीं या बट हाँ वो सीन के बारे में तो मैं हाइट बिकॉज जनरली आई एम नॉट इन टू लाइक दैट ऑफ थिंग्स बस लाइक दैट.
when it comes about bossy thing, I'm there. Okay, kar lega. So I'm there. Okay, आखरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी। ये हाजिर जवाबी कहाँ से सीखी है आपने? शाहरुख, it remind me of the way शाहरुख interact with media. कुछ पूछने से पहले जवाब रेडी है और वो भी हर फन मोहल्ला है आप। अब देखिए, हम कलाकार हमने अपने आप को साबित तो कर दी है, तो अगर एक्टिंग खाली स्क्रीन में करूँ तो फायदा क्या? हाँ, और उसके बाद वोमन एम्पावरमेंट है, जब मौका मिले इतने ही सारे मर्दों को नीचे करना चाहिए। Because I've started with her in 2006 when I came to Mumbai. I did my first show for New TV in the dark. It was called Sonia Salman. I did Queen's character. She was the associate producer for that. So this is how the journey started. And we both are Punjabi. And we got gel with on the set. And उनके बारे में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो डिसीजन मेकर है, बोल देती हैं कि ये सही है एक बार, कंफ्यूज नहीं है लाइफ, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर एंड देन आई सॉ द वर्क व्हिच आई न्यू विल गोना बी गुड एंड ग्रेट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्क पीपल आर डूइंग एंड व्हिच इट इज व्हिच वी ऑल हैव सीन इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काम करके अभी हम देख रहे हैं इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और इतना कंटेंट बन रहा है और ये भी कंफ्यूज है कि क्या देखें क्या नहीं देखें। सबके बीच में अगर कोई एक अलग सी बात कहता है तो एक आपका ध्यान आकर्षित करती है, जो मुझे लगता है कि ये फिल्म का पोस्टर ही, सीरीज का पोस्टर ही कर रहा है अपने आप। ऑल्सो हमने देखा आपने टेलीविजन में किया, लेकिन क्या हम आपको कभी वेब सीरीज में या फिर नेटफ्लिक्स के साथ कोई कोलैबोरेशन में देख सकते हैं, ऐसा कोई प्लान अगर आप देखिए? मैं एक एक्टर हूँ, मैं 7 साल का था तब मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी थिएटर से, तो मैंने 13 साल थिएटर ही किया, फिर मैं बॉम्बे आया। तो मेरे लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे OTT हो या फिल्म हो या टेलीविज़न हो, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं उस तरफ आकर ऑडियंस के नज़रिए से देखूँगा तो ये सवाल वाजिब है आपका जो आपने मुझसे किया, लेकिन एज ए एक्टर मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं और मुझे ऐसा काम करना है जो लोगों के जहन में रहे, और बाय द गॉड ग्रेस और लोगों के प्यार की वजह से मैंने 12 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं, सिर्फ 4 शो करे हैं। बहुत लोग मुझे उसके लिए शायद बुरा भी बोलते होंगे कि मैं मना कर देता हूँ, तो समझते होंगे कि इसको ज़्यादा ही समझ आ रही है, पर मेरे को जितनी भी समझ आती है वो ऑडियंस ने उसका जवाब दिया है कि मेरा कोई भी शो 2 महीने में बंद नहीं हुआ, 5 साल 3 साल ऐसे चले हैं और मैंने गिनती के शोज करे, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ऑडियंस को क्या देना है, क्या चाहती है, और मैं लकी हूँ कि ऑडियंस मेरा काम पसंद भी। चैलेंजिंग तो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है वेब का, मतलब मैं एक्सपीरियंस हुई करती बात से, तो ये अच्छी बात थी, मतलब नहीं वो भी बहुत अच्छी बात है, मतलब नेम रिलेट में ये मजाक। सो द थिंग इज दैट प्यार, ये जो प्यार है ज़रूरी नहीं है एक लड़के और एक लड़की में, सो इट कैन बी अ गर्ल टू अ गर्ल, इट कैन बी अ हस्बैंड टू अ वाइफ टू अ वाइफ, और अ फीमेल टू अ फीमेल, एनीथिंग। So the thing is that our society needs to accept that. क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक ये मना है, मतलब there is no, मतलब nothing called rules and regulations. ये हमने बनाया, इंसान ने बनाया। The thing is that मेरा जैसे ये किरदार है कि मतलब बहुत ही सिंपल सी लड़की यूथ के आती है, चारों तरफ ये सब देख के शुगर सरप्राइज एंड वो मतलब एक अलग ही सोन में चली जाती है, बट यही मतलब हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते सबके सामने। अगर मैं खुद एक लड़की से प्यार नहीं करती तो दुनिया के सामने आप नहीं बोल सकते, आप भी अगर करते हो तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं है। मतलब द कैरेक्टर प्ले बाय इवांका इज वेरी चैलेंजिंग, मतलब आई वुड लव टू प्ले दैट, बट शी इज शी वाज अमेजिंग देयर, एंड भाई हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। So how was your experience working? मैंने ही प्ले किया, तो देख तो सोनी भी नहीं किया, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिंदगी में, मतलब मेरी सीमा की जो कि लड़की को भी लाइक करती है, समटाइम्स लड़की को भी लाइक करती है। सो मैं अगर पूरा बोलने जाऊँगी तो मैं बता दूँगी, इसीलिए मैं ना रुक रुक के बोल रही हूँ कि कहीं मैं बोल ना सकूँ। हाँ सीरियसली, तो मैं इधर पॉज लेके बोल रही हूँ कि मैं पूरा ना बोल दूँ। सो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है एंड इट्स ग्रेट। What about your house? How was your experience working with your I mean, as she mentioned that, you know, it's been a lot of twist and a lot of triangle, she's loving someone else, she's falling into someone else. Or as far as my experience concerned, I have done a few web series before. Right. Or as far as
my role in this series, it's quite similar, which I have played in the past. And as I've mentioned earlier, so with me, my connection with director is very important. So and the way we both connected.